अगर इसको यूज करते हैं किसी भी पौधे पे तो बहुत बेहतरीन इंसेक्ट और पेस्ट पे भी ये भी काम करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बैंगन का पौधा, और बैंगन का पौधा देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, सोचिए आपके साथ हम शेयर करें, क्योंकि हम ये शुरू किए हैं बैंगन का सीरीज, और जो भी इस पे दवा का छिड़काव करते हैं आपको हम वीडियो बना के देते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं कि बैंगन की सीरीज पे छोटे से पौधे से लेके हमने इसको स्टार्ट किया था, कौन कौन सा फर्टिलाइजर, कौन कौन सा पेस्ट और इंसेक्ट का इसको छिड़काव करते हैं, आप वीडियो में सभी कुछ जाके देख सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जो इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम कौन सी हो गई। आप देख सकते हैं दोस्तों जो बैंगन का ही जो मेन प्रॉब्लम है, आप देखिए इसे कहते हैं शूट बोरर, तना छेदक। दोस्तों ये होता है क्या कि देखिए ये जो अब ये देखिए अंडे हैं, जो कीड़े आते हैं अंडे देते हैं, और अंडे देते हैं जब इसे अंडे देने के बाद ये पूरा एक कहते हैं पूरा टहनियों को यहाँ से अंदर पूरा खोखला कर देते हैं। जब अंदर पूरा खोखला होता है तो ये पूरा एकदम सूख जाता है, और दोस्तों ये इस तरीके से करते करते पूरा ये नीचे ये बढ़ते हुए चला आता है। अगर इसको कंट्रोल आप नहीं करेंगे तो दोस्तों पहले क्या होगा, पहले तो यहाँ से ये जो टहनियाँ होगी ये टहनियाँ सूख के लटक जाएगी, और उसके बाद दोस्तों ये पूरा जो आपकी टहनियाँ नीचे तक जाना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये इसे कहते हैं तना छेदक शूट बोरर। आप देख सकते हैं देखिए इस पौधे इसमें भी लगा है, देखिए यह भी ये सूख रहा है दोस्तों, अभी तो ये सूख रहा है और इस तरीके से धीरे धीरे करके ये इसमें भी आ जाएगा। दोस्तों पहला इसका निदान क्या है कि इसको तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है, और इसको भी इस तरीके से आप इसे कट कर लीजिए, यदि आपको ध्यान रहे। और कट दोस्तों जितने इसमें बैंगन में है, देखिए ये भी जो पत्तियां हैं, देखिए ये भी पत्तियां ऊपर से ये लटक लटकने लगी, आप समझ जाइए इसमें भी प्रॉब्लम हो गई है। आप इसको भी इस तरीके से यहाँ से कट करिए और ये ले लीजिए। जितने दोस्तों आपके पास बैंगन का पौधा है, 4, 5, 10 जितने बैंगन पौधा आपने लगा रखा है, सभी को इस तरीके से आप कट कर लीजिए। देखिए इसको हम कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद इसको करना क्या, इसको कहीं दूर आपको इसको फेंक देना है। ये नहीं होता क्या कि लोग इसे कट करते हैं और कट करके वहीं पे छोड़ देते हैं। दोस्तों वहीं पे छोड़ेंगे फिर दोबारा आपके पौधे पे ये अटैक करेगा। और इसको हम फिलहाल में यहाँ बगल में रख देते हैं, उसके बाद आपको दूसरा इस पर काम क्या करना है। दूसरा दोस्तों चलिए आपको बताते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दोस्तों लेना है नीम से बना हुआ ये पेस्टिसाइड, ये बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये काम करता है आपका नीम से बना हुआ। अगर इसको आप यूज करते हैं तो तना छेदक फल छेदक दोनों पे बहुत अच्छा ये कारगर साबित होता है। दोस्तों ये कैसे बनता है मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ये इसके साथ में देखिए NPK है, ये होममेड NPK है, दोनों को हम मिक्स करके इस पर छिड़काव करेंगे, इसका रिस्पांस दोस्तों बहुत अच्छा मिलता है। और कैसे NPK को बनाते हैं इसका भी आई बटन पर लिंक है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे इसे बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों लेना है एक बाल्टी ले लीजिए, इस पर हमको 1 लीटर पानी इसमें यूज करना है, और इसमें हम ले लेते हैं 1 लीटर पानी, इसमें हम ले लिए 1 लीटर पानी। अब इसके बाद जो ये नीम से बना हुआ है इसको कितना लेना है 1 लीटर में, 1 लीटर में इसको लेना है 50 ml, ये 25 ml का है, 2 ढक्कन इसमें हम ले लेते हैं, ये हो गया 50 ml। उसके बाद दोस्तों जो NPK है पर लीटर इसको भी यूज करना है 50 ml। दोस्तों NPK ये जो है जल्दी ख़राब नहीं होता है, एक बार बनाएंगे कम से कम 5 से 6 महीने तक ये चलने वाला है, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये काम करता है आपके पौधे पर। और इस NPK को हम हमेशा यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। आपके पास लिक्विड सॉप डिशवाश या स्टिकर है या नींबू है, नींबू हल्का इसमें निचोड़ दीजिए, और निचोड़ने के बाद इसको स्प्रे पंप में हम भर लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन ये काम करता है आपके पौधे पे, और ये बस ये थोड़ा सा इसमें है कि आपको मेहनत लगेगी। दोस्तों मेहनत अगर करेंगे आप तो ये फ्री में आपका ये ठीक हो जाएगा, ये जो फल छेदक है और तना छेदक है बैंगन में। दोस्तों बैंगन का इसे कैंसर कहते हैं, अगर इसे आप कंट्रोल कर लेंगे तो ये मानिए कि बैंगन में कोई भी बीमारियां आएगी उसे आप दूर कर लेंगे। अब इसको हम पौधे पे छिड़काव कर लेते हैं। दोस्तों एक बात आपको हम बता दें कि बहुत ऐसे कीटनाशक मैंने बना के अपने चैनल पर डाला है, और किसी भी कीटनाशक का अगर इस पर यूज करते हैं तो रिस्पांस इस पर बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन दोस्तों बस एक बात यही है कि एक बार आप छिड़काव करते हैं और एक बार छिड़काव करने के बाद उसका रिजल्ट आप तुरंत लगते हैं इस पर ढूंढने अच्छे तरीके से इसका छिड़काव दोस्तों आप कर दीजिए।
अब आपको हम बताते हैं इसको छिड़काव करने के बाद, दोस्तों आपको 5 दिन बाद इसका दोबारा आप रिपीट कर दीजिएगा। होता है क्या दोस्तों कि आप रिपीट नहीं करेंगे तो जो ये इसके कीड़े हैं, कीड़े बहुत इसके ज़िद्दी होते हैं, जल्दी ये मरते नहीं हैं, तो आपको रिपीट भी करना। और दोस्तों जो मैंने इसमें NPK इसमें मिक्स कर रखा है, इस NPK से आपके बैगन के ऊपर फ्लावर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें आएंगे। उसके बाद आपको हम बता दें कि नेक्स्ट 5 बार इसे रिपीट कर देते हैं, और रिपीट करने के बाद जब तीसरी बार इस पर छिड़काव करने की बारी आती है तो आपको करना क्या है दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं ये है मेरे हाथ में बायो एंजाइम। और दोस्तों जो ये बायो एंजाइम है ये इतना बेहतरीन बायो एंजाइम है कि अगर इसको यूज करते हैं किसी भी पौधे पे तो बहुत बेहतरीन इंसेक्ट और पेस्ट पे भी ये भी काम करता है। इसको भी आप नोट कर लें कैसे इसे बनाते हैं। 1-3-10 कोई भी बायो एंजाइम बनाने का फार्मूला 1-3-10 होता है। 1 मतलब क्या हो गया, आप पहले लेना है आपको गुड़, 100 ग्राम अगर गुड़ लेते हैं तो दूसरा जो फार्मूला है 300 ग्राम आपको लेना है मटेरियल, और जो तीसरा है 10 मतलब 1 लीटर पानी, 100 ग्राम गुड़, 300 ग्राम मटेरियल और 1 लीटर पानी। उसके बाद जो मटेरियल क्या लेना है इसमें, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम मिर्च, 100 ग्राम लहसुन, तीनों को काट कर लीजिए। कट करने के बाद 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और 100 ग्राम गुड़ को उसमें घोल लीजिए। दोस्तों घोलने के बाद इसमें आपको डालना है 1 से 2 ग्राम हींग, अच्छी क्वालिटी का हींग इसमें डाल दीजिएगा। और डालने के बाद बायो एंजाइम इसे आप बना जानते हैं करना क्या होता है दोस्तों, कि इसे 1 लीटर को आप 1.5 से 2 लीटर बोतल में डाल दीजिएगा, और डालने के बाद आपको एक काम ही करना है कि इसको पूरा अच्छे तरीके से पैक करके रख देना है। हर 24 घंटे के अंदर में दोस्तों कम से कम पूरा 1 महीने तक इस तरीके से हल्का सा आप इसे गैस को रिलीज करना है, और ढक्कन को पूरा खोलना नहीं, गैस को रिलीज करना है। उसके बाद इस तरीके से आप इसे बंद कर दीजिए। उसके बाद दूसरे महीने में 1 सप्ताह बाद इस तरीके से आप गैस को रिलीज करिए। तीसरे महीने में ये जल्दी इसमें गैस नहीं बनेगा, गैस बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, या हो सके तो 15 दिन में एक बार रिलीज कर दीजिएगा। 3 महीने बाद दोस्तों ये जो बायो एंजाइम बन के हो जाएगा आपका रेडी, और इसको आप छान लीजिएगा। छानने के बाद इसको रख सकते हैं, कभी भी ख़राब होने वाला नहीं है। 1 लीटर पानी में 2 ml, 3 ml, 4 ml तीनों में से कोई भी डालिए, और डालने के बाद इस पर यूज करिए। दोस्तों ये बायो एंजाइम इसमें जो मैंने हींग बताया मिलाने के लिए इतना बेहतरीन काम करता है कि एक बार इसे आप बनाएंगे अगर यूज करेंगे तो और जो बायो एंजाइम है वो उसके सामने इसके बिल्कुल फेल हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बायो एंजाइम काम करता है। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊँ आपको, जो फर्टिलाइजर इस पर जो देना है, आपने जो मैंने छिड़काव करने के बारे में आपको बता दिया, जो इस पर फर्टिलाइजर आपको देना है, कल मैंने एक डाला था वीडियो सरसों की खली से 10 गुना पावरफुल कैसे बनाएं, उस फर्टिलाइजर को भी आप इसमें मैंने कल दिया हुआ था, आपको हम दिखा भी देते हैं, देख सकते हैं आप इसी फर्टिलाइजर को मैंने दिया था कल, और इसको कैसे बनाते हैं इसका भी आपको लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है, इसको भी जाके आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइजर का आप ज़मीन में इस्तेमाल कर दीजिए। अभी देख सकते हैं ये 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml जिस हिसाब से पौधा आपका उस हिसाब से इसको यूज कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद मैं बताऊँ आपको, अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।